दोस्तों, इंडिया का रेलवे नेटवर्क इतना बड़ा है कि अगर सारे ट्रैक्स को एक लाइन में बिछा दिया जाए तो वो पृथ्वी के 1.5 से भी ज्यादा चक्कर लगा सकता है। इस रेलवे ट्रैक की टोटल लेंथ अराउंड 67,000 किलोमीटर है। वर्ल्ड वाइड साइज में 7th नंबर पे होने के बावजूद इंडिया का रेलवे नेटवर्क 4th नंबर पे आता है। इतने बड़े रेलवे नेटवर्क में टोटल 12 लाख से भी ज्यादा एम्प्लॉयज काम करते हैं, जो डायरेक्टली सिर्फ एक एजेंसी रेलवे मिनिस्ट्री के अंडर आता है। इसीलिए सरकार का रेलवेज में रोल समझने के लिए हमें इसके बारे में जानना होगा। तो हेलो गाइस, आप देख रहे हैं बेसिक ज्ञान और इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवेज मिनिस्ट्री के बारे में। हम बात करेंगे इसके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की और इसके अंडर आने वाली प्रोडक्शन यूनिट्स, PSUs और ज्वाइंट वेंचर्स और ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट्स के बारे में। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। भारत की आज़ादी से पहले ईयर 1905 में मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को क्रिएट किया गया था, जिसके पॉलिटिकल हेड होते हैं एक कैबिनेट मिनिस्टर, जिन्हें हम रेल मंत्री भी कहते हैं, और एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते हैं एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जिन्हें हम रेलवे बोर्ड का चेयरमैन और CEO भी कहते हैं। हर मिनिस्ट्री की तरह मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के बड़े बड़े डिसीजन पे भी अंतिम फैसला प्राइम मिनिस्टर का होता है या कैबिनेट उस पर डिसीजन लेती है, और बाकी सभी डिसीजंस रेलवे मिनिस्टर द्वारा लिए जाते हैं और उन्हें असिस्ट करते हैं एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट। इंडियन रेलवेज नेटवर्क बहुत ही बड़ा और कॉम्प्लिकेटेड है। इसके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में लास्ट ईयर ही एक बहुत ही बड़ा चेंज भी आया है। इंडियन रेलवेज के हायरार्की स्ट्रक्चर को समझने के लिए हम इसके टॉप लेवल के ब्यूरोक्रेसी की बात करते हैं। ये एक 3-टायर स्ट्रक्चर है, जिसमें टायर 1 पे आता है इंडियन रेलवे बोर्ड। इसके अंडर टायर 2 पे आते हैं देश में अलग अलग एरियाज में 18 जोन्स, और टायर 3 पे आते हैं इन सभी जोन्स में से हर एक के अंडर 3 to 6 डिविजन्स, जिसे टोटल मिलकर हो जाते हैं 68 डिविजन्स। टायर 1 की बात करें तो इंडियन रेलवे बोर्ड में टोटल 5 मेंबर्स होते हैं, जिनमें एक तो खुद इंडियन रेलवे बोर्ड के हेड जो चेयरमैन और CEO कहलाते हैं, जिनके अंडर बाकी के 4 मेंबर्स आते हैं जिन्हें MRB यानी मेंबर ऑफ रेलवे बोर्ड कहते हैं। MRB इंफ्रास्ट्रक्चर, MRB TRS ट्रांजैक्शन एंड रोलिंग स्टॉक, MRB ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट, MRB फाइनेंस, इन सभी में रेलवेज के अलग अलग डिपार्टमेंट का काम बटा हुआ होता है। जैसे MRB इंफ्रास्ट्रक्चर के अंडर आते हैं रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से जुड़े सारे डिपार्टमेंट्स, जैसे वर्क्स, सिविल इंजीनियरिंग, ब्रिजेस, सिग्नल एंड टेलीकॉम, लैंड एंड एमिनिटीज, और स्टेशन डेवलपमेंट एंड रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन। MRBTRS ट्रांजैक्शन एंड रोलिंग स्टॉक के अंडर आते हैं सारी प्रोडक्शन यूनिट्स, सारे मैकेनिकल वर्कशॉप कोचेज, सारे लोकोमोटिव्स यानी ट्रेन के इंजन्स, फिर चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो या डीजल। इसके अलावा सारे ट्रेन सेट्स, इन्वायरमेंट और हाउसकीपिंग, इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस ऑफ कोचिंग स्टॉक, ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन, पावर सप्लाई, रिन्यूएबल एनर्जी और मटेरियल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट भी इसी के अंडर आता है। अगला MRB ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट के अंडर आती है ट्रैफिक ट्रांसपोर्टेशन, कोचिंग, टूरिज्म एंड केटरिंग, कमर्शियल, नॉन फेयर रिवेन्यू और मार्केटिंग एंड बिजनेस डेवलपमेंट। नेक्स्ट MRB फाइनेंस के अंडर आता है अकाउंट्स, फाइनेंस, बजट, रिवेन्यू, स्टेट एंड इकोनॉमिक्स यूनिट एटसेट्रा। हालांकि इन सभी डिपार्टमेंट्स के अलग अलग हेड होते हैं, जिन्हें एडिशनल मेंबर ऑफ रेलवे बोर्ड या PED प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कहा जाता है। ये DG यानी डायरेक्टर जनरल रैंक ऑफिसर होते हैं, जो अपने अपने रिस्पेक्टिव MRB को रिपोर्ट करते हैं। इनके अलावा भी कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे होते हैं जो MRB को रिपोर्ट ना करके सीधा चेयरमैन कम CEO को रिपोर्ट करते हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट CEO के अंडर आते हैं। ऐसे डिपार्टमेंट हैं ह्यूमन रिसोर्स, सेफ्टी, सिक्योरिटी जिसमें RPF रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आती है, इसके बाद हेल्थ, प्लानिंग, विजिलेंस, एफिशिएंसी एंड रिसर्च, पब्लिक रिलेशंस, हेरिटेज, सेक्रेटरी ब्रांचेस और ट्रांसफॉर्मेशन सेल एंड कॉर्पोरेट कोऑर्डिनेशन। आगे बात करते हैं टायर 2 यानी जोन्स की। इंडियन रेलवे बोर्ड के अंडर टोटल 18 रेलवे जोन्स आते हैं। हर जोन में 3 से 6 डिविजन्स होते हैं जो उसके अंडर ऑपरेट करते हैं। हर जोन में एक हेडक्वार्टर होता है, जहां से जोन के अलग अलग डिपार्टमेंट के हेड्स सारे फंक्शंस को मॉनिटर करते हैं। इन हर एक को एक एक स्पेसिफिक नंबर से पहचाना जाता है। 17 जोन्स का मैप में एरिया और नाम नंबर वाइज आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इन 17 के अलावा जोन नंबर 18 साउदर्न कोस्ट रेलवे, जो 2019 में एस्टेब्लिश किया गया है, जिसका हेडक्वार्टर विशाखापट्टनम में है और जिसमें 3 डिवीजन गुंटाकल, विजयवदा और गुंटूर आते हैं, जो पहले साउथ सेंट्रल रेलवे जोन के अंडर आते थे। नेक्स्ट अब बात करते हैं कैसे सारे जोन्स इंडिपेंडेंटली अपना काम करते हैं और जोनल लेवल पे हायरार्की स्ट्रक्चर क्या है। जोन के हेड होते हैं GM यानी जनरल मैनेजर ऑफ जोनल रेलवेज। ये अपने जोन के ओवरऑल इंचार्ज होते हैं, यानी जितने भी डिपार्टमेंट्स या डिपोज या प्रोडक्शन यूनिट्स उस जोन में होते हैं वो सभी इन्हीं के अंडर आती हैं।
फिर जीएम के नीचे आते हैं एक एजीएम यानी एडिशनल जनरल मैनेजर, जो जीएम की गैर मौजूदगी में जीएम का काम संभालते हैं। जोनल लेवल पे हर डिपार्टमेंट का एक हेड होता है जो प्रिंसिपल चीफ पोस्ट पे होते हैं, और उन्हें प्रिंसिपल हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी कहा जाता है, जो डायरेक्टली जीएम को रिपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं टायर 3 यानी डिविजन्स की, जो एक्चुअल में फंक्शनल लेवल होता है जिसमें सबसे ज़्यादा काम होता है। इसे हम फील्ड लेवल भी कह सकते हैं। इसके हायरार्कल स्ट्रक्चर में सबसे ऊपर होते हैं DRM यानी डिविजनल रेलवे मैनेजर, जो पूरे डिविजन के ओवरऑल इंचार्ज होते हैं। फिर DRM के नीचे आते हैं एक ADRM यानी एडिशनल डिविजन रेलवे मैनेजर, जो DRM की गैर मौजूदगी में DRM का काम संभालते हैं। डिविजन लेवल पे भी हर डिपार्टमेंट का एक हेड होता है जिसे सीनियर हेड ऑफ डिपार्टमेंट कहा जाता है, जो डायरेक्टली DRM को रिपोर्ट करते हैं। हर डिविजन में टोटल 12 टाइप के डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे पर्सनल, स्टोर्स, मेडिकल, सिक्योरिटी, कमर्शियल, अकाउंट्स, सेफ्टी, इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड पावर, ऑपरेटिंग एंड ट्रैफिक, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। आगे अब बात करें रेलवे मिनिस्ट्री के अंडर आने वाली प्रोडक्शन यूनिट्स की, तो उनमें से कुछ हैं DLW डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, DMW डीजल लोको मॉडर्नाइजेशन वर्क्स, CLW चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, ICF इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, RCF रेल कोच फैक्ट्री, MCF मॉडर्न कोच फैक्ट्री एट्सेट्रा। नेक्स्ट PSUs या जॉइंट वेंचर्स जो इस मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं, उनमें से कुछ हैं BWEL भारत वेगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, COFMO सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉडर्नाइजेशन ऑफ वर्कशॉप, क्रिस सेंटर ऑफ रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इरको इंटरनेशनल लिमिटेड, रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड एट्सेट्रा। नेक्स्ट ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस जो इस मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं वो हैं इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नल इंजीनियरिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन, इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट, नेशनल अकेडमी ऑफ इंडियन रेलवेज एट्सेट्रा। तो ये थी रेलवे मिनिस्ट्री पे हमारी छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में एक ऐसे ही नॉलेजेबल टॉपिक के साथ। सो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करो यार, एंड नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।